और सिन्हा और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। फ्रेंड्स, लॉकडाउन से तो हम लोग धीरे धीरे उभरने लगे हैं, धीरे धीरे लगता है कि स्कूल कोचिंग्स वगैरह भी खुलने जा रही हैं। अब समझ लो किस बारी आ ही गई है स्कूल कॉलेज की खुलने की। लेकिन इस लॉकडाउन में हमने क्या किया? लॉकडाउन में अगर आपने देखा तो काफ़ी समय हमें मिला अपने फ्यूचर के बारे में, हमें उस समय को यूज़ करने के लिए कि हम उस समय में क्या कर सकते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि इडियम से मित्रों की ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब कि जिस समय विपदा है उसमें अवसर ढूंढने की एक कोशिश। हर कोई परेशान था, हर कोई क्या सोच रहे करे क्या ना करे इसलिए को परेशान था कि अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं। अब करने के लिए दो ही काम कर सकते हैं, या तो हम धरे के धरे अपने हाथ पर रखे बैठे रहें, कुछ ना करें और चुपचाप टाइम पास करें और कहें कि भैया क्या करें, लॉकडाउन है कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरी तो इंस्टीट्यूट बंद है, सारे इंस्टीट्यूट बंद है, भाई हम क्या कर सकते हैं। हाँ, लड़कों के लिए कुछ वीडियोस ला सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, हमारी इंस्टीट्यूट कर भी रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ कि इसी बीच में मैंने रियलाइज़ किया और मेरी पूरी टीम जो अरविंद इंस्टीट्यूट की टीम है, हमारे डायरेक्टर सर जो हैं, ये सब हम लोग एक दिन बैठ के बात कर रहे थे। और इसी दिन ये बात जब होने लगी तो सर ने कहा मुझसे कि क्या सर आपको नहीं लगता कि आपको अपने अनुभव को, आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है, जो आप काफ़ी दिनों से बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इतने वर्षों से टीचिंग कर रहे हो, तो क्या आपको अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को क्या किसी पन्ने पे नहीं लाना चाहिए? इट मीन्स कि उनका नज़र था, उनका एक इशारा था कि सर आपको भी अब दूसरे लोगों की तरह यह प्रयास करना चाहिए कि एक क्लास नोट्स के माध्यम से, एक बुक के माध्यम से आप अपनी क्षमता को, आप अपनी बातों को, आप अपने विचार को अपने शब्दों में अपने स्टूडेंट्स के सामने लाओ। फ्रेंड्स, ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट की, ये बात मेरे दिल को छू गई कि हाँ सही है, मुझे भी इस लॉकडाउन में जब इतना खाली समय मिला है और जब जिस समय हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम छात्रों के फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर भी एक अच्छी बात ये आई कि सरकार ने एक नई परीक्षा के तरीके को भी ले आए, जो आप सभी लोग जानते हो, सीईटी की बात मैं कर रहा हूँ, कि आपको कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम देना है लेकिन पहले आपको सीईटी, जो एक आपका प्री का एग्ज़ाम है, वो आपको देना है, वो सभी को देना है, जिसमें इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। मतलब मेरा रोल तो पहले था ही इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। अब प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये आती है कि जो स्टूडेंट हमारा हिंदी मीडियम का है या जो स्टूडेंट्स हमारा अभी रूरल एरिया का है, ग्रामीण एरिया का, उसके लिए इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या है। अब वो क्या करे? अब उसके लिए हम ये कर सकते थे कि या तो वो लड़का ये सोचे कि भाई सीईटी मेरे बस का नहीं, या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि उस छात्र के लिए भी सीईटी काफ़ी आसान हो जाए, उसके लिए एसएससी आसान हो जाए, उसके लिए सारे एग्जामिनेशंस आसान हो जाए जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल सही है, मुझे भी आपके लिए अपने विचारों को, अपनी बातों को आपके सामने लाने की ज़रूरत है। इवन जब भी मैं क्लास में पढ़ाता था और मैंने क्लास के दौरान जब लड़कों से बात की तो लड़के हमेशा यही कहते थे कि सर कोई अच्छी बुक बताइए। तो मैंने कहा मार्केट में कई सारी बुक्स हैं, जाओ कोई भी बुक्स ले लेना, सारी बुक्स अच्छी होती, बुक्स कोई ख़राब नहीं होती। लेकिन फ्रेंड्स, वो कहते थे हमेशा कि सर जब मैं क्लास में जाता हूँ अपने शॉप पर, जब किसी शॉप पे जाता हूँ लेने के लिए, तो जो हमारा जो बुक सेलर है वो 3-4 किताबें 5 किताबें सामने रख देता है, कहता है सर इसमें से दे लीजिए कोई बुक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके कंफ्यूज इसलिए होता था क्योंकि इसे मोटी मोटी किताबें देखने को मिलती थी, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, कोई दोनों भाषाओं में देखने को मिलती थी। और प्रॉब्लम ये होता था कि इतनी ज़्यादा कंटेंट वो पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। इवन इन प्रैक्टिस सेट में भी आप देखो तो एक ही तरह के क्वेश्चंस को काफ़ी रिपीट कर रहे हैं, उसमें कोई भी नयापन नहीं है, नए क्वेश्चंस हैं कि या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो अपनी बातों के लिए रख दिया है। स्टूडेंट्स की नीड वहाँ पर ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल मोटी मोटी किताबें देखने को मिलती थी और लड़के इवन उनकी भाषा को भी नहीं समझ पाते, किताब की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती सबको। एक स्टूडेंट के लिए एक ऐसी बुक होनी काफ़ी ज़रूरी है जो बुक उसको तुरंत समझ में आ जाए। मतलब अगर मैंने अपने सामने बुक खोली तो ऐसा लगे कि हाँ सामने वाली जो बुक है या जो चीज़ें हैं वो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे समझा रहा है, जैसे एक टीचर क्लास में समझाता है उस तरह से वो मुझसे बातें कर रहा है और मेरा इंटरेस्ट भी इंग्लिश की तरफ आए। आप सभी लोग जानते हो कि इंग्लिश की तरफ स्टूडेंट्स का एक लगाव कम होता है क्योंकि वो हमारी पहली भाषा नहीं है और जितना हमें हिंदी अच्छा लगता है उतना इंग्लिश हमें अच्छा नहीं लग पाता है। लेकिन एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो भाई इंग्लिश तो आनी चाहिए। इंग्लिश का जो क्वेश्चन मार्क है, इंग्लिश से जो प्रॉब्लम आके उसका सॉल्यूशन क्या, क्या किया जाए उनके लिए, ये मैंने हमेशा क्लास में एक्सपीरियंस किया कि एक स्टूडेंट हमेशा ये परेशान रहता है कि किस तरह से वो इंग्लिश को पढ़े कि उसे आसानी से समझ में आ जाए।
फ्रेंड्स, इसी का एक तरीका मैंने निकाला आप लोगों के लिए, जहां पर मैंने इन लॉकडाउन में अपने 4 मंथ्स के पूरे प्रयास के साथ, जिस पे अरविंद इंस्टीट्यूट के हमारे टीचर्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद की, हम सब लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रयास से और आपके काफ़ी ज़्यादा प्रेम से, लगाव से, आपके कह सकते हैं कि आपके प्रति मेरे डेडिकेशन ने, फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास नोट्स तैयार कर लिया है, जिसको मैं आज की वीडियो में आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ अपने इस क्लास नोट्स को। फ्रेंड्स, ये है मेरी क्लास नोट्स, ये आप देख रहे हो, ये है हमारी क्लास नोट्स, जो कि आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि गौरव सिन्हा सर क्लास नोट्स ऑफ इंग्लिश। अब आप इसको देखो फ्रेंड्स, तो आप इसमें आपको दिखाई देगा कि ये 370 पेजेस जो इसमें कंसिस्ट हैं, सारे 370 पेजेस के साथ ये क्लास नोट्स मैंने आपके लिए लाया है, और जो कि मेरे अपने इंस्टीट्यूट अरविंद इंस्टीट्यूट के तरफ से है, और ये आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, इस बुक में आप देखोगे तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स मिल सकते हैं, वो सबके बारे में अभी डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहली बात अगर देखी जाए इस बुक को, तो इस बुक में वो सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। 370 पेजेस में अगर हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो चीज़ें पूछी जाती हैं, और सबसे बड़ी बात जो फ्रेंड्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा बुक की जब बात होती है तो बुक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बुक कोई क्लास नोट्स को लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी ला सकता है। लोग कहते हैं कि कॉपी पेस्ट करके बुक्स बनाई जाती हैं, आपने सुना है कॉपी पेस्ट कर लिया बुक निकाल दी, कौन सी बड़ी बात है? नहीं फ्रेंड्स, इस बात से मुझे बचना था, इस बात से अरविंद इंस्टीट्यूट को बचना था कि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने कहीं पर भी ये काम आप लोगों के लिए नहीं किया कि आप लोगों के लिए मैं ऐसा कंटेंट लाऊं जहां पर मेरी चीज़ें ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। बल्कि मेरे जो एक्सपीरियंस है, मुझे जो पता है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, उस चीज़ को मैंने यहां लाने का प्रयास किया फ्रेंड्स। और देखोगे, अगर आप इस बुक को परचेस करोगे, बुक को आप अपनाओगे, अपने लाइब्रेरी का पार्ट बनाओगे, तो आप देखोगे कि इस बुक में वो सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, और इवन सीईटी के एग्जामिनेशन में भी आना है। और अगर आप कोई भी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग की तैयारी हो, और अगर उसमें ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, इवन 10 नंबर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर मुझसे दूर भी है, अगर मुझसे क्लासेस नहीं भी ले रहा है, तो भी उसे काफी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको सबसे पहली बात, फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक बात और भी आपको शेयर करना चाहता हूँ जो बड़े दिल के मेरे करीब है, कि ये बुक मैंने डेडिकेट किया है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने धन्यवाद भी किया, अपनी सारी बातें मैंने इसमें लिखी है जो आप इसमें देखोगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैंने इस बुक को डेडिकेट किया अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, ठीक है, और ताकि वो हमारे लिए हमेशा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैंने उनको डेडिकेट किया। एंड द सेकेंड थिंग, कि यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देखोगे अगर इस बुक के, तो इस बुक में मैंने वो सारी चीज़ें डाली हैं जो कि किसी भी वन डे एग्जामिनेशंस में या किसी भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश के अंतर्गत पूछी जाती हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने डालने का काम नहीं किया है, हर चीज़ को इसमें रखा है। अब कहोगे फ्रेंड्स, हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही यहाँ पे चैप्टर शुरू होते हैं, यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है आर्टिकल से, मैंने आर्टिकल से शुरुआत की और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपको कंपोजिशन का पार्ट भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, तो ये इस आप बुक में देखोगे तो ये फर्स्ट पेज है आपके इस बुक में क्लास नोट्स में, जहां पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर्टिकल जो आपका जो है चैप्टर, मैं और नजदीक से आपको दिखाता हूं कि ये जो आर्टिकल आप यहाँ पे देख रहे हो, यहां से लेकर मैंने जितने भी रूल्स को इसमें देने का काम किया, उन सभी को मैंने आपके सामने बुक्स को जो रखा है, वो मैंने रूल्स को अपने हाथों से हैंड रिटन लिखा है। इवन मैंने खुद से लिखा है, खुद से इसको बताया है, इसको डिनोट किया है कि किस चीज़ को आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। अगर इवन कहीं पर एरो की आवश्यकता है तो वहाँ पे एरो के माध्यम से मैंने उसको बताया है, और वो सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, और उतनी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा भी नहीं, कि ज़्यादा के चक्कर में किताब मेरी बहुत मोटी दिखाई दे, बहुत अच्छी बातें, बहुत ज़्यादा बातें भी पूछी नहीं जाती, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी चीज़ को मैंने इसमें कंसिस्ट करने का काम किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस सेट की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ पर सारे रूल्स को बताने के बाद इवन मैंने प्रैक्टिस सेट को हर चैप्टर के बाद डाला है। ये वो सारे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन से पूछे जा चुके हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं।
आर्टिकल में आप देखोगे तो यहाँ पर उसके पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी जो पूछे आते हैं ए एंड द से रिलेटेड आर्टिकल में आप जानते हो, उन चीज़ों को भी मैंने इसमें डालने का काम किया है। तो फ्रेंड्स इस बुक को आप जरूर लो, अपने दोस्तों में रिकमेंड करना है, इसे पढ़ना है और मुझे भी बताना है कि आपको फीडबैक देना है कि आपको मेरा प्रयास, हमारी टीम का प्रयास कैसा लगा और किस तरह से आप इस बुक को और ज़्यादा अच्छे रूप में देना चाहते हो। आपके एक एक फीडबैक का, आपके एक एक सजेशंस का या एक एक तरह की जो आप अपनी बातें रखोगे, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना कि इसमें वो सारी चीज़ें कंसिस्ट हैं जो किसी एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताने का काम करता हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख रखा है और यहाँ पर बुक की सारी बातें आपको दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के पोर्शन की, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन होता है, अगर आप सबसे पहले इसकी अगर बात करो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमें आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन तक चीज़ें हमें देखनी होती है, ठीक है। ये सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए क्या ने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, इसमें जितने ज़्यादा रूल्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उनको डालने के साथ साथ इसके प्रैक्टिस सेट को भी मैंने इसमें कंसिस्ट करने का काम किया है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया, आप इसको पढ़ोगे। अब देखो क्या है कि प्रेपोजिशन जो हमारा पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखोगे तो डायग्राम से हमें इसे चार्ट के थ्रू या कह लो सके छोटे छोटे सिंबल्स के थ्रू हमें इसे समझने की ज़रूरत होती है। तो मैंने इस काम को भी किया है कि जहाँ पे जो चीज़ आपको पिक्चर के थ्रू समझने की ज़रूरत है, उन छोटे छोटे पिक्चर्स को भी मैंने अपने क्लास नोट्स में डाला है ताकि आप काफ़ी आसानी से सारे चैप्टर्स को समझ सको। इसमें किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो बात करते हो अगर आप वर्ब की, तो वर्ब में आप देखा जाए तो इस चैप्टर को, तो ये अपने बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो आपको मॉडल्स भी पढ़ने हैं, वो भी कंसिस्ट है इसके अंतर्गत। इसके अलावा अगर आप बात करते हो नॉन फाइनाइट की, तो वो भी एक पॉइंट है जो आपको पढ़ना है। बहुत सारे राइटर्स इसको वर्ब एडवांस के नाम से भी दिखाते हैं या नॉन फाइनाइट के नाम से दिखाते हैं, तो उस चीज़ को मैंने इसमें कंसिस्ट किया है। एडवर्ब की बात अगर करते हैं तो एडवर्ब में आप देखोगे तो इन्वर्जन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्वर्जन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, तो एडवर्ब के बाद मैंने इन्वर्जन को बिल्कुल रखा है और इससे संबंधित क्वेश्चंस को भी मैंने रखने का काम किया है, साथ में आंसर भी दिए हुए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करते हैं वॉइस और नरेशन की, तो वॉइस नरेशन के हर तरह के रूल। अब वॉइस नरेशन में क्या है, वॉइस नरेशन को अगर फ्रेंड्स आप देखोगे तो इसमें नए नए तरह के क्वेश्चंस भी बनने लगे हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस बनने लगे हैं जो कि एग्जामिनेशन पूछ रहे हैं, इवन इन सीजीएल मेंस में काफ़ी ज़्यादा, सीपीयूएसआई का हो चाहे सीजीएल को काफ़ी लंबा पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि आपको सीजीएल सीएचएसएल के हिसाब से जो बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको भी देखना है, और इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, आप आसानी से समझ सकते हो। फिर देखा जाए फ्रेंड्स टेंस के बारे में, टेंस में मैंने सबसे अच्छा काम ये किया है कि टेंस को आप देखोगे दो तरह से समझने की चीज़ है फ्रेंड्स। टेंस में दो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहला टेंस में ये होता है एक ट्रांसलेशन की तरह से। ट्रांसलेशन क्या है कि जब हम लोग एकेडमिक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें हिंदी टू इंग्लिश करना होता है, उस चीज़ को मैंने हर रूल्स के साथ डाला है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट के लिखने के बाद, रूल्स को बताने के बाद हम क्या करेंगे, हम रूल्स को बताने के बाद ये करेंगे कि वहाँ पे आप देखोगे तो टेंस के ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस भी दिए हैं और आगे चल के उसके से जो रूल्स बनते हैं एग्जामिनेशन में उसको भी हमने देने का काम किया है फ्रेंड्स। ये चीज़ इसमें आपको दिखाई देती है। इफ़ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके सारे रूल्स जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। इस नोट्स में, इस क्लास नोट्स में आप हर चीज़ पाओगे, आपको इसे ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स कि इसमें सब कुछ अवेलेबल है, आपको उसे पढ़ना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स देखा जाए फ्रेजल वर्ब, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जितनी भी चीज़ें चाहे वो वोकेबुलरी से हो, चाहे आपके कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट के पार्ट से हो, वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको इसमें दिखेंगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल एग्जामिनेशन में, वो आपको देखने को मिलेंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स एंड स्पेलिंग टेस्ट। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं बैंकिंग के एग्जामिनेशन में, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, एसएससी में भी ये परेशानी करते हैं, स्पेलिंग में भी हमको बहुत परेशानी होती है। हर एग्जामिनेशन में इससे दो से तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने इसको भी प्रैक्टिस सेट इसमें कंसिस्ट किया है कि आप प्रैक्टिस करो, रूल्स को प्रैक्टिस करो या कह लो इसमें रूल्स क्या हैं, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करो और आप इसे देखने का काम करो।
बात करते हैं कि हम किस तरह से इस बुक को अपने पास मंगा सकते हैं। अगर आपको यह बुक लेनी है, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा इसका अगर चीज़ें, तो आप इस बुक को कहाँ से ले सकते हो। फिर सबसे पहली बात, गोरखपुर शहर में हमारे इंस्टीट्यूट है, गोरखपुर शहर से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो कि हमारा एक एजुकेशनल हब है, जहाँ पे कचहरी बस स्टैंड पर, वहाँ पर आपको दो बुक स्टोर दिखाई देंगी। जहाँ पर आप पहले देखोगे तो एजुकेशनल बुक स्टोर है और दूसरा सरस्वती इंफॉर्मेशन सेंटर है। ये काफ़ी अच्छी दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकानें हैं। आप इन दुकानों पर जाकर आप इस क्लास नोट्स को, आप इस किताब को ले सकते हो और काफ़ी अच्छे दर पर ले सकते हो। आपको ये बुक बिल्कुल भी महंगी नहीं लगने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप शहर के बाहर से हो और तब भी आपको बुक अच्छी लगी है, आप इस क्लास नोट्स को अपनाना चाहते हो, उसे लेना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 7234000726 पर। फ्रेंड्स, आपको यह पता होगा कि हमारी जो टीम है, मैं बता दूं कि हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और कुरियर के द्वारा यह किताब आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर इस किताब को लीजिए, आप मेरे प्रयास को देखिए, मेरे अनुभव को देखिए, और आपको बिल्कुल मैं अश्योर करता हूँ कि आपको ये किताब बहुत अच्छी लगने वाली है। और ये सारी चीज़ों का निचोड़ है जो कि इंग्लिश में एग्जामिनेशन के पूछा जाता है। इंग्लिश काफ़ी बड़ी समस्या है आपके लिए फ्रेंड्स, लेकिन अब ये बुक जब आपके घर तक आ जाएगी तो आपके लिए समस्या नहीं रहने वाली है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो मुझे आपके फीडबैक का, आपके सजेशंस का भी इंतज़ार रहेगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स मैं आपसे अगली बार। आप जरूर भूलिएगा मत कि आपको यह किताब लेनी है, और इस बुक को बहुत जल्दी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पसंद करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए यह लेकर आ गया हूँ। उसमें सारे कंटेंट, सारी चीज़ें, सब कुछ अवेलेबल है, इसमें सारी बातें हैं। आप जरूर इस बुक को लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी आप इसको और ज़्यादा लाने के लिए इनकरेज करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।